नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है मेरी कक्षा। इस पाठ के उद्देश्य है कक्षागत वस्तुओं से अवगत कराना, विभक्ति पर का बोध तथा अभ्यास कराना एवं विभक्ति में और पर का अंतर समझाना। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है। मेरे साथ अक्षरी कीजिए, पर पर। बोलिए पर पर। पर का अर्थ है ऑन। चित्रों के रूप में उदाहरण दिए गए हैं ना? जैसे पहले चित्र को देखिए, सेब बक्से पर है। सेब कहाँ है? हाँ, बक्से पर। दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, एक लड़का है ना? वह किस पर बैठता है? हाँ, सोफे पर। तो बोलिए लड़का सोफे पर बैठता है। फिर एक बिल्ली है ना बच्चों? बिल्ली किस पर बैठती है? हाँ, बक्से पर। बोलिए बिल्ली बक्से पर बैठती है। चौथे चित्र में एक बस है। देखिए बस कहाँ पर है? हाँ, बहुत अच्छा, बस सड़क पर है। बस कहाँ पर है बच्चों? सड़क पर। तो आइए एक वीडियो द्वारा देखते हैं कि सड़क पर और क्या क्या है। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पे जाती मोटर गाड़ी। सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी न जाओ। जाओगे तो तब जाओगे, चोट लगेगी पछताओगे। बीच सड़क पर कभी न जाओ, जाओगे तो तब जाओगे, चोट लगेगी पछताओगे, चोट लगेगी पछताओगे। वीडियो पसंद आया बच्चों? अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक कहाँ है? बोलिए हाँ, मेज पर। तो मेरे साथ बोलिए, मेज पर पुस्तक है। फिर से बोलिए, मेज पर पुस्तक है। अब यहाँ देखिए, मेज पर क्या है? हाँ, मेज पर कलम है। कलम कहाँ है बच्चों? बहुत अच्छा, मेज पर। तो बोलिए मेज पर कलम है। और इस मेज पर क्या है? बिल्कुल सही, मेज पर पैमाना है। तो बोलिए मेज पर पैमाना है। इधर देखिए, मेज पर क्या है? हाँ, मेज पर कलमदान है। तो बोलिए बच्चों, मेज पर कलमदान है। अब इस मेज पर क्या है? हाँ, कापी। तो बोलिए मेज पर कापी है। अब इधर देखिए,
मेज पर क्या है? हाँ, मेज पर पार्टी है। और इस मेज पर क्या है? बहुत अच्छा, बस्ता। तो बोलिए, मेज पर बस्ता है। और इस मेज पर टोकरी है ना बच्चों? तो बोलिए, मेज पर टोकरी है। अब इस कुर्सी को देखिए, कुर्सी पर क्या है? हाँ, कुर्सी पर बस्ता है। बोलिए, कुर्सी पर बस्ता है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र में एक लड़का है ना? लड़का क्या करता है? बहुत अच्छा, लड़का बैठता है। लड़का किस पर बैठता है? हाँ, बिल्कुल सही, कुर्सी पर। तो बोलिए, लड़का कुर्सी पर बैठता है। फिर से बोलिए, लड़का कुर्सी पर बैठता है। इस चित्र को देखिए और बोलिए तो, लड़की क्या करती है? हाँ, लड़की बैठती है। वह किस पर बैठती है? बहुत अच्छा, कुर्सी पर। तो बोलिए, लड़की कुर्सी पर बैठती है। यहाँ पर एक पंखा है। पंखा किस पर लगा है? हाँ, दीवार पर। तो बोलिए, दीवार पर पंखा है। यहाँ पर एक श्वेत पट है ना? श्वेत पट पर क्या है? हाँ, चित्र है। तो बोलिए, श्वेत पट पर चित्र है। अब इधर देखिए, इस चित्र में कक्षा है। चित्र में क्या है बच्चों? हाँ, कक्षा। ध्यान से देखिए, कक्षा में कई चीजें हैं, जैसे कि कुर्सी, पुस्तक, बस्ता, पैमाना आदि। इन सभी वस्तुओं में से कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो मेज पर रखी जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि आपकी कक्षा की मेज पर कौन कौन सी वस्तुएं हैं। मेज पर कलमदान है। मेज पर कलम है। मेज पर पुस्तक है। अब मेरे साथ बोलिए, मेज पर पैमाना है। मेज पर पार्टी है। मेज पर टोकरी है। मेज पर कापी है। अब अभ्यास कार्य का समय आ गया है। अपनी कापी में ये चित्र बनाइए और रंग भरिए। नंबर एक, मेज पर कलम। और नंबर दो, कुर्सी पर बस्ता। Thank you.
आपके चित्र कुछ इस प्रकार के होने चाहिए। आज की हमारी सीख है, अपनी कापियों और पुस्तकों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।